मंडे का दिन है, नए हफ्ते की शुरुआत है और बिग बॉस के घर में भी अब कहीं ना कहीं ढेर सारे बदलाव होने लग गए हैं। जो कंटेस्टेंट्स अच्छे हैं वो और अच्छे उभर के आ रहे हैं, जो अच्छे लग रहे थे पर वो अच्छे नहीं निकले ऑडियंस की नज़रों में तो थोड़े नीचे जा रहे हैं, तो जो पीछे थे अब वो आगे आ रहे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो टॉप पे थे और अभी भी टॉप पे हैं। जी हाँ, चलिए आपको बताते हैं मंडे के दिन की कौन सी है सबसे लेटेस्ट रैंकिंग जहाँ पे ऑडियंसेस ने खुद चुने हैं अपने फेवरेट्स। और चलिए आपको बताते हैं नंबर 1 to 15 इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए 15 से 1 तक जाते हैं। मैं वेदांगी करने का आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल फिफाफूज पे। एंड सबसे पहले बात करते हैं नंबर 15 की, ऑडियंस का दिल किसने बिल्कुल भी नहीं जीता है, ऑडियंस किसे बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही है और किसके साथ अभी तक वो कनेक्ट बनाने में असफल रहे हैं। नंबर 15 पे है वही शख्स जो फिलहाल कुछ कर नहीं रहे हैं, जो सिर्फ अब्दू के वजह से दिख रहे हैं, वो है साजिद। उसके बाद 14 नंबर पे आ रही है सौंदर्या। 13 की अगर बात करें तो मान्या दिखाई दे रही है। शालीन नंबर 12 पे है, गौरी 11 पे है, निमृत 10वें नंबर पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे अगर सौंदर्या मान्या की बात करें तो दोनों ही गौरव को पसंद करते हैं, गौरव सौंदर्या को पसंद करते हैं और मान्या जो है घर के अंदर मैं इसकी एम्बेसडर हूँ, वो करती हूँ, ये करती हूँ, इतने को रिप्रेजेंट करती हूँ, इतनी चीज़ें बोल रही है जो कहीं ना कहीं घमंड दिख रहा है लोगों को, वो पसंद नहीं आ रहा। सौंदर्या का गौतम के अलावा और कोई कॉन्टेंट है नहीं। अगर शालीन की बात करें तो शालीन को कंटेंट सिर्फ सुम्बुल और टीना के चलते मिल रहा है एंड नेगेटिव भी चल रहे हैं वो पिछले हफ्ते से, डॉक्टर के साथ जो बदतमीजी की प्लस सुम्बुल टीना जो भी था, इसीलिए उनकी भी रैंकिंग लो है ऑडियंस की नज़रों में। गोरी एज सच कुछ कर नहीं रही है एक्सेप्ट फॉर शुजिता, सुम्बुल के साथ बड़ी फाइट हुई है, आफ्टर दैट शी इज़ डूइंग नथिंग। निमृत कल के एपिसोड में थोड़ी बहुत उभरती दिखाई दी बट कहीं ना कहीं पिछले हफ्ते में आफ्टर कैप्टनसी वॉज गॉन, कुछ करती हुई नज़र नहीं आई। बाद में नंबर 9 पे बात करते हैं टीना की, 8वें पे गौतम की, 7वें पे सुम्बुल की। सो टीना सुम्बुल दोनों ही एक दूसरे को ही ज़्यादा देखते रहते हैं, बेसिकली सुम्बुल कंफ्यूज है शालीन टीना के साथ अभी भी है, जबकि उनके पिता को नहीं चाहिए कि वो टीना और शालीन के साथ रहे। और टीना तो मतलब खैर आई थिंक सबके बारे में कुछ ना कुछ आगे पीछे बोलती रहती है, सो लोगों को शायद वो पसंद नहीं आ रहा है। बट कंपेरेटिवली शालीन से बेटर रैंकिंग है उनकी। गौतम अगेन थोड़ा बहुत अच्छा चल रहे हैं लेकिन सौंदर्या के साथ जो उनका चीज़ है वो लोगों को शायद इतना पसंद नहीं आ रहा होगा, जिसके चलते वो 8वें पे है। सुम्बुल की रैंकिंग कहीं ना कहीं टॉप 3 टॉप 4 में थी, टॉप 5 में थी, अब डायरेक्टली 7 पर वो स्लिप होती हुई नज़र आ रही है। MC सैंड 6 पे दिखाई दे रहे हैं तो अब्दू 5th पे है। अब्दू की रैंकिंग कहीं ना कहीं 1st 2nd में थी, अब वो डायरेक्टली 5th पे आ चुके हैं। स्टैन जो है वो है ऑन 6th। 4th पे आ चुकी है अर्चना, अर्चना काफ़ी नीचे थी, अब उन्होंने अपनी जगह नंबर 4 पे बना दी है, लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं। अंकित ने अपनी जगह 3rd स्पॉट पे बना दी है, धीरे धीरे ओपन अप हो रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहे हैं। जिसके बाद बात करते हैं प्रियंका की, प्रियंका डेफिनेटली वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स है और अभी तक जितना गेम चल रहा है क्लियरली लोग यही पकड़ के चल रहे हैं, इट इज़ गोइंग टू बी द बिग शो डाउन बिटवीन प्रियंका वर्सेस शिव, दोनों टॉप 2 में आ सकते हैं। लोग कह रहे हैं इनको नज़र ना लगे, दीज टू आर द बेस्ट प्लेयर्स, काफ़ी मज़ा आएगा इन्हें देखने के लिए, आज तो कैप्टनसी टास्क इन दोनों में ही दिखाई देने वाला है। सो फिलहाल ये दोनों को काफ़ी पसंद किया जा रहा है बाहर, कभी प्रियंका नंबर 1 पे होती है तो कभी शिव नंबर 1 पे होते हैं, तो यहाँ पे फिलहाल आज के दिन नए हफ्ते की शुरुआत में हमें ऐसा ही दिखाई दे रहा है, प्रियंका नंबर 2 पे है, शिव नंबर 1 पे है। उनकी सिंपलिसिटी, उनका नेचर लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, गेम खेलने का तरीका, पिछले एक हफ्ते में भले वो शो में दिखे नहीं लेकिन कल उन्होंने काफ़ी अच्छा कवर अप किया, उनके वन लाइनर्स, उनकी बात करने का तरीका और जिस तरीके से हाजिर जवाब भी वो दे रहे हैं लोगों को पसंद आ रहा है। सो यस, ये है टॉप रैंकिंग, कौन कौन से पोजीशन पे है, व्हाट्स योर टेक, लेट मी नो इन द कमेंट्स, आपके नज़र में कौन है आपके टॉप 3, लिखना मत भूलिए।